सबसे पहले तो हम आप लोगों सभी को होम टैब के विषय में जानकारी दे देते हैं। होम टैब के अंदर कुछ ऑप्शंस पाया जाता है, जो ऑप्शंस होता है टोटल 7 ऑप्शंस। कितने ऑप्शंस होते हैं? 7 ऑप्शंस। 7 ऑप्शंस में सबसे पहला एक ऑप्शंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लिप बोर्ड ऑप्शंस। देखिए यहाँ पे क्लिप बोर्ड लिखा हुआ है ना, ये वाला ऑप्शंस क्लिप बोर्ड लिखा हुआ एक ऑप्शंस हो गया। दूसरा है फॉन्ट ऑप्शंस हो गया, तीसरा अलाइनमेंट, चौथा नंबर, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग्स। ये ऑप्शंस जो टोटल होता है 7 ऑप्शन, 2, 4, 6, 7 सात ऑप्शंस को हम लोग बारीकी से जानेंगे कि एक एक ऑप्शंस का क्या क्या वर्क है, क्या क्या काम है। सबसे पहला चीज़, क्लिप बोर्ड ऑप्शन के अंदर जो है चार ऑप्शंस पाया जाएगा या होता है, प्रॉपरली होता ही है चार ऑप्शंस। बट अगर यहाँ पे जो ऑप्शंस खुल जाए इसको बोलते हैं पॉप अप या ड्रॉप टैब बोला जाता है। इसमें क्लिक करोगे तो इसके अंदर भी कुछ ऑप्शंस पाया जाता है, बट हम इस चार ऑप्शंस को बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले होता है कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। इसका क्या क्या काम है देखिए, अगर आपके एक्सेल्स में किसी प्रकार का अगर डाटा है, फॉर एग्जाम्पल में हम यहाँ पे कोई डाटा मान लीजिए यहाँ पे है ये डाटा, राइट, ये मान लीजिए हमारा क्या है, अजय कुमार शर्मा, शंभू कुमार शर्मा, डेट ऑफ बर्थ इतना, ये डाटा है ना। इस डाटा के अंदर का कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर हमको कॉपी करना है या कट करना है तो हम लोग यहाँ से कट करेंगे। कट का मतलब ये डाटा हट कर इस डाटा पे, इस सेल्स पे क्या हो जाएगा, पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ से हट कर क्या हो गया, वहाँ पे पेस्ट हो गया। बट कंट्रोल जेड करके हम रिटर्न ले लेते हैं ना, कंट्रोल जेड करते तो अंडू हो जाता है, तो हम लोग रिटर्न ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम कॉपी करने का मतलब क्या होता है कि जो डाटा हमने लिया, ये डाटा हमने सेलेक्ट किया, ये जो डाटा देख रहे हैं ना, ये डाटा जो हमने सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से रिमूव नहीं करना है, क्या करना है, कॉपी करना है। क्या नहीं करना, रिमूव नहीं करके क्या करना है, सिर्फ हमको कॉपी करना है। क्या करना है, कॉपी करना है, याद रखिएगा कॉपी करना है। तो पहले तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, आप सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे कॉपी कर दीजिए। और कॉपी करने के बाद आपको जहाँ जिस इच्छा, जहाँ पे जो मन कर रहा है आपको, मान लीजिए 25 नंबर में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये डाटा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी पेस्ट है। अब यहाँ मतलब है क्या कि ये जब तक आपका चल रहा है तब तक आपका पेस्ट होते रहेगा, तब तक आपका पेस्ट होते रहेगा, देख रहे हैं ना, पेस्ट होते रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम कोई भी चीज़ में हम यहाँ पे इंटर कर दिए या टाइप कर दिए तो वो अनटेक्स्ट हट गया, पेस्ट होगा, अभी भी पेस्ट होगा, ठीक है, जब तक अगला कमांड हम नहीं देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये अजय वाले को हम लोग क्या करते हैं, ये जो अजय हमारा है ना, देख रहे हैं ना, ये इसको हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले तो सेलेक्ट कर लिए, इसका वाइट कलर है ना, इसका रेड कलर कर देते हैं, राइट। और इसका हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट को चेंज कर लिए, कर लिए ना। अब ये फॉर्मेट पेंटर में हम लोग क्लिक करेंगे और ये वाले को हम लोग ड्रैग करेंगे तो क्या हो रहा है देखिए, तो हाँ क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक जो डिजाइन लिए हैं वो डिजाइन आ रहा है। कहीं पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी करेंगे तो आएंगे, यानी कि आपको एक नया पेज लेने के बावजूद अगर यहाँ पे भी करेंगे तो आपका आएगा, देख रहे हैं ना। तो ये हम लोग क्या किए, सेकेंड पहले तो कट कॉपी किए, पेस्ट किए, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर भी किए। समझ में आ रहा फॉर्मेट पेंटर का बात या नहीं आ रहा, यानी कि जो एरिया को आप ले लीजिएगा वो एरिया यहाँ पे पेंटर हो जाएगा, उसका डिजाइन आ जाएगा आपका, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से हम लोग फॉर्मेट पेंटर आके पेस्ट की जाएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जो प्रोग्राम हम लिए तो प्रोग्राम क्या कर दिए, क्लोज कर दिए हम, है ना, वो प्रोग्राम को क्लोज कर दिए। अब वो जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम था हमारा यहीं था, अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हम व्हाइट फॉर्मेट पेंटर लिए थे, व्हाइट लिए थे इसलिए व्हाइट आ रहा है। कब कहाँ पे लिए थे, इससे पहले वाला में, है ना, इससे पहले वाला में, है ना, तो यहाँ से हम व्हाइट लिए थे इसलिए आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो पेस्ट क्या होगा, व्हाइट ही होगा, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।
अब यहाँ पे फॉन्ट का मतलब होता है कि किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन के अंदर का डेटा का हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम यहाँ पे लिख रहे हैं मनीष कुमार, लिखे। अब ये मनीष कुमार का हमको कलर चेंज करना है तो यहाँ से हमको करना है, राइट। इसके अंदर ड्रॉप बोले है ना, ड्रॉप अप जहाँ पे देखिएगा ये ड्रॉप है, पॉपअप जिसको बोलता है, इसको बोलता है पॉपअप, है ना। ड्रॉप क्लिक की जाए तो यहाँ बहुत सारा कलर है ना, जो कलर देना चाहते हैं चॉइस इज योर्स। इसके पीछे का कलर करना चाहते हैं तो इस पीछे का कलर में दे दीजिए, है ना, यहाँ से देख रहे हैं ना। बट आप बोलेंगे कि यहाँ हाँ जी हाँ, आप यहाँ से नो में क्लिक तो हट जाएगा, यहाँ से इसको आप बॉर्डर में देना चाहते हैं तो बॉर्डर आ जाएगा ये ऑलरेडी। मगर प्रिंट प्रीव्यू में जो यहाँ पे लाइन दिख रहा है ना, वो लाइन नहीं रहता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। एक्सेल में ब्लैंक ही रहता है, बॉर्डर देना पड़ता है ना। तो यहाँ पे बॉर्डर दे दिए, बॉर्डर को हम लोग हटा सकते हैं, यहाँ से नो बॉर्डर कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि इसके अंदर अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन का स्टाइल भी हम लोग दे सकते हैं अपने अनुसार, देख रहे हैं ना। यहाँ बोला है डी फॉर डबल लाइन और यहाँ पे अंडरलाइन, ठीक है। अगर हम डबल लाइन देते हैं तो देख लीजिए यहाँ डबल डी फॉर डबल लाइन, डबल लाइन आएगा। यहाँ से हम लोग इटालिक कर सकते हैं और यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड का मतलब थोड़ा सा मोटा, इटालिक का मतलब थोड़ा सा तिरछा। ये हम नीचे वाले बॉक्स को समझ गए। ऊपर में क्या होता है कि जो लिखने का जो तरीका होता है वो लिखावट जो है आप चेंज कर सकते हो, कहाँ से, ऊपर वाले से। ये इसको हम लोग बोलते हैं फॉन्ट। आपका लिखने का लिखावट का तरीका जो है वो क्या होगा, यहाँ से चेंज हो जाएगा, राइट। अब हाँ, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो लिखावट हम जो लिखे हैं इसकी साइज मिनिमम 8 हो सकती है और मैक्सिमम 72 होगा। बट हाईएस्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, 1636 होता है। कितना होता है हाईएस्ट, कितना होता है 1636 होता है। बट एक्सेल में कितना होगा, 72 होगा। अगर 1636 हम लोग टाइप करके करते हैं तो क्या बोल रहा है, फॉन्ट साइज नहीं ले रहा है। अगर हम यहाँ पे 80 कर दे रहे हैं तो 80 ले रहा है ना, 600 ले रहा है, देख रहे हैं ना। यहाँ टाइप करके, मगर यहाँ पे क्लिक करके कितना लेगा, 72 ही लेगा। स्ट्रिंग अगर करोगे, छोटा करोगे तो छोटा कितना लेगा, 8। मगर यहाँ से हम लोग 5 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं टाइप करके, ठीक है। यहाँ पे 1000 भी हम फॉन्ट कर सकते हैं, फॉन्ट साइज 1000 नहीं दे रहा दिख रहा है, ठीक है। हाँ, 0 भी कर दीजिए आप, 0 भी कर दीजिए, मगर 0 नहीं लेगा, 1 ही लेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप करके हम फॉन्ट साइज को अपने अकॉर्डिंग उसको ले सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ छोटा होता है, यहाँ पे बड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो मनीष जो हम लिखे हैं, वो मनीष हम लिखे एक लाइन में लिखे, है ना, एक लाइन में, है ना, एक सेल्स में है। इस मनीष के अंदर का हम लोग यहाँ पे मनीष को एक सेल्स के अंदर कहाँ पे सेट करना है, वहाँ पे दिया गया है। यानी कि यहाँ पे बोला है टॉप अलाइनमेंट, यहाँ पे बोला है सेंट्रल अलाइनमेंट, यहाँ पे बोला है बॉटम अलाइनमेंट, है ना। अब ये मनीष को हम अपने अकॉर्डिंग क्लॉक वाइज हम डाल सकते हैं, जैसे ये एंगल काउंटर वाइज, काउंटर देख रहे हो, एंगल क्लॉक वाइज, यहाँ पे वर्टिकल टेक्स्ट खरा देख रहे हो। अगर इसका प्रिंट प्रीव्यू देखोगे यहाँ से, देख रहे हो, तो शो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, वर्टिकल लिया है, ठीक है, और यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ से हम लोग उसको अपने अकॉर्डिंग रोटेट हम कर सकते हैं, और जब ये कर सकते हैं सर, ऊपर नीचे करके, हाँ सारा सब्जेक्ट वाइज, हाँ ऊपर होगा ए नीचे होगा, जैसे हम इसको नॉर्मल पहले कर देते हैं, ठीक है, नॉर्मल हम कर देते हैं, जो था इसका नॉर्मल हम लोग कर देते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल था, नॉर्मल कर दिए। अब तुम एक ऊपर लेना चाहते हो तो इसके लिए सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट बढ़ाए थे ना, सबस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट नहीं पढ़ा है ना तुम लोगों का, वर्ड नहीं किया हो। यहाँ पे आप एक कर सकते हो, एक को छोटा कर सकते हो, एक को बड़ा कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे
दूसरा तरीका क्या है, एक को छोटा एक को अपने एक्रोनिम, हाँ पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा उसको जिसको करना है छोटा, देख रहे हो ना, इसका एक एक कलर भी कर सकते हो अलग है ना, यहाँ से कर सकते हो, इसका भी अलग कलर कर सकते हो यहाँ से, देख रहे हो ना। तो ये इस फोन के साथ क्या क्या होगा, उसका अंडरलाइन डबल लाइन भी अलग हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो गया, समझ में आ गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सेंटर में कर सकते हैं सेल्स का, लेफ्ट में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग कहाँ पे कर सकते हैं, सेल्स के अंदर ही, एक सेल्स पे काम हो रहा है, मालूम है ना। तो यहाँ पे देखो असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं, हाँ तो वो एक सेल्स है ना वहाँ तक ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो हम लोग एक इक्वल हम लोग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 20 साइज देते तो इक्वल आ जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक एक सेल्स बना लेते हैं, इसको हम लोग मार्जिन सेल्स करते हैं, मार्जिन सेंटर कहते हैं, मार्जिन सेंटर यानी कि एक सेल्स बन गया, ये क्या बन गया, इतना तो एक सेल्स, ये अलग अलग सेल्स है ना, बट ये एक सेल्स हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, सेंटर में रख दिए, देखो सेंटर में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर टेक्स्ट रैप है, यहाँ पे जो ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे लिए थे, यहाँ से देखो, यहाँ से सेंटर है, यहाँ से सेंटर, यानी कि ये भी सेंटर, इसलिए यहाँ पे सेंटर सेंटर दिख रहा है, या टेक्स्ट रैप लिए हैं, अब मार्जिन सेंटर लिए तो टेक्स्ट रैप मार्क्स सेंटर दिया है, मगर ये हम नहीं लिए, ये हम लोग यहाँ से अपने एक्रोडिंग अब डाल सकते हैं, देख रहे हो ना, अपने एक्रोडिंग जहाँ पे तुमको रखना है, जैसे रखना है तुम अपने अनुसार यहाँ से क्लिक करके डिग्री में रख सकते हो, लेफ्ट राइट सेंटर सब कर सकते हो, देख रहे हो ना आप, क्लियर है यहाँ तक, टेक्स्ट सेक्शन हो गया। तो हम लोग क्लिप ऑर्ड के विषय में चले गए, फॉन्ट के विषय में चले गए, अलाइनमेंट के विषय में भी हम लोग समझ में आ ही गया हम लोग का, ठीक है। अब हम लोग यहाँ को मार्जिन सेंटर को हटा देंगे, तो नॉर्मल पहले जैसा हो, टेक्स्ट रैप को हटा देंगे तो नॉर्मल पहले जैसा हो जाएगा, क्लॉक वाइज में डबल वाला क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है, आ गया। और यहाँ पे सेंटर कर दूँ तो बीच में आ ही जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोई संख्या अगर हम लिख देते हैं, मान लीजिए किसी तरह का संख्या लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, अंडरलाइन तो आ ही रहा ना, तो अंडरलाइन को हम लोग हटा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये जो है जनरल में है, यहाँ से हम लोग नंबर में ले सकते हैं, यहाँ से हम लोग करेंसी में ले सकते हैं, यहाँ से अकाउंटेंसी में ले सकते हैं, अकाउंटिंग में, शॉर्ट डेट में ले सकते हैं और लॉन्ग टाइम डेट में ले सकते हैं, टाइम आ सकता है, परसेंटेज आ सकता नहीं समझ में आता। देखिए सबसे बड़ा चीज़ है, अगर किसी का मान लीजिए इक्वल 5% अगर हम किसी का निकाल रहे हैं, 5% इक्वल 5% दे रहे, तो यह 0.5 आ रहा ना, तो ये किस में आया, परसेंटेज में ना आया, 5% है ना, तो यहाँ पे होगा। अगर हम डेट निकाल रहे हैं, मान लीजिए आज तारीख कितना हो गया, 10वां महीना 18 तारीख 2021 है, तो ये किस में आ जाएगा, डेट में ना आ जाएगा, देखो ऑटोमेटिक डेट आ गया यहाँ पे, हाँ आ गया ना। अब यहाँ से तो हम लोग डेट शॉर्ट डेट में भी ले सकते हैं, लॉन्ग डेट में भी ले सकते हैं, अगर लॉन्ग डेट में आता तो क्या होता, देखो मंडे अक्टूबर 18 2021 में आता है, समझे कि नहीं, है ना। तो ये ऐसा आप यहाँ से ले सकते हैं, राइट। दूसरी बात है, यहाँ पे सिंबल्स है करेंसी का, ठीक है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम का है, यूरो का है, चाइनीज का है, फ्रेंच का है, और मोर भी सिंबल्स हैं यहाँ पे, इंडिया का भी है, तो यहाँ पे आप सिंबल्स को बना सकते हो, सिंबल्स को यहाँ से हम लोग ले भी सकते हैं, बहुत सारा है, पाकिस्तान, हाँ यहाँ पाकिस्तान वाकिस्तान सब का है, इंडियन सब का है, ठीक है। तो इंडियन का तो हम लोग ऐसे चला रहे हैं ना, अभी आई है ना, यहाँ पे देखो फ्रेंच है, इंडिया का तो चाइना में चेंज करेंगे तो, हाँ वो सब हो जाता है। तो यहाँ पे सिंबल्स दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ये जो है ना, ये जो आर एस है ना, उर्दू का आता है, याद रखना, हाँ ये आर एस दो ना, आर एस उर्दू तमिल, देख रहे हो ना, है ना, पंजाबी संस्कृत उड़िया नेपाली मलयालम पूरा दिया हुआ, हिंदी यहाँ दिया हुआ हिंदी में, आर एस आ गया ऑटोमेटिक, देखो यहाँ पे जनरल में आओ, यहाँ पे हम लोग आए थे, यहाँ पे हम मोर टेम्बर में आए थे, यहाँ से नंबर में आए थे, नहीं करेंसी में आए थे ना, करेंसी में आए थे, और यहाँ पे आना
तो यहाँ पे करेंसी का सिंबल ऑटोमेटिक आपका आ जाता है। बहुत हाँ, हर एक चीज का होगा, बहुत है बाबू, जितना भी देश चलता है ना, यहाँ पे पंजाबी है, नेपाली है, हम लोग हिंदी हिंदी इंडिया में हिंदी हिंदी है ना, ओके करोगे हिंदी में आ गया, देख रहे हैं। तो ये आ गया आपका, ठीक है, सिंबल्स आपको बनाने की जरूरत, सिंबल्स नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल्स दे सकते हो ऑटोमेटिक, है ना, है ना, असेंडिंग बढ़ा सकते हो, डिसेंडिंग कर सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो, ये यानी कि घटा बढ़ा सकते हैं, क्या चीज़ को, जो जीरो पॉइंट होता है उसको आप लोग पॉइंट को घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। हाँ, आप लोग सब्सक्राइब किए हैं यूट्यूब चैनल को, आप सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल सब, हम अभी अभी अपलोड कर दे रहे हैं वीडियो को, ठीक है, ये सारी चीज़ को आप लोग को रिविज़न करना है घर बैठे, ठीक है, ओके, हम यूट्यूब में अपलोड कर देते हैं, ठीक है।